दवा कंपनी है, इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है लुपिन, और काफ़ी दिनों से मार्केट में टिकी है। और इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग अभी 2200 के आसपास चल रहा है, और लगभग एक साल पहले ये 700 800 1100 के आसपास रन कर रहा था। मगर अभी भी इस मार्केट में लुपिन के ऊपर जो ब्रोकरेज का रिपोर्ट आ रहा है कि हो सके ये 3000 3500 तक भी जा सकता है एक साल में टाइम लेके, क्योंकि इसने अभी अमेरिका में एक कैंसर की दवा लॉन्च की है जो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, और यूएस में इसका मार्केट काफ़ी अच्छा है इनकी दवाओं का। तो इस वजह से ये शेयर भी जो है ट्रेंड में है, और लोग लगातार इस पर विश्वास कर रहे हैं, और बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस पर रिपोर्ट दिया है कि लुपिन जो दवा की कंपनी है ये अच्छा काम कर रही है। अब इसमें देखिए, दवा की कंपनी में क्या है, आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सबसे ज़्यादा दवा की कंपनी है, और जब जो इस तरह की कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ये थर्ड पार्टी सोर्सिंग नहीं करती हैं, यानी ये अपना खुद प्लांट बैठाती हैं, अपना सारा लाइसेंस लेती हैं। जैसे कि आपको पता है, दवा कंपनी खोलने के लिए आपको अपना कंपनी चाहिए, अपना फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए, सेटअप चाहिए, FDA का परमिशन चाहिए, GMP का परमिशन चाहिए, ISO 9000, ISO 14000, फायर का, पॉल्यूशन का, ये सारा कम से कम समझिए तो 30 ऐसा लाइसेंस है जो आपको चाहिए, ताकि मान लीजिए आप दवा कंपनी खोल पाएँ। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट डालती हैं, उसके बाद लेबोरेटरी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ताकि मान लीजिए हमेशा नए नए दवा पर रिसर्च करते रहें। अब ऐसे जो लोग हैं, कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, समझिए 1000 2000 करोड़ 5000 करोड़ 10000 करोड़ लगा के इंडस्ट्री सेटअप करती हैं दवा की फैक्ट्री, तो फिर जाके उसके बाद US का मार्केट या वर्ल्ड मार्केट में धीरे धीरे ये मार्केट को कवर करके अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ाती हैं। तो दवा कंपनी खोलने से पहले कभी भी आप खोलें, तो बजट आपका अगर कम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में ना जाएं। आप क्या करें, थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत हैं आपके हिमाचल प्रदेश में बद्दी में, जो थर्ड पार्टी के लिए बनाती हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है सारा कुछ। आप जाइएगा, अपना ट्रेड लाइसेंस निकाल के, अपना कंपनी निकाल के, अपना ब्रांड बना के उनको अपना दीजिएगा कि ये मेरा ब्रांड है, और उनके पास जो दवा है उनका फॉर्मुलेशन लेके, और वो दवा वही बनाएंगे, पैकेटिंग भी वही करेंगे, मगर आपके नाम पर करेंगे और करके आपको देंगे, फिर आप मार्केट में उसको ला के अपना बेच सकते हैं। तो अगर पूंजी कम है तो आप फैक्ट्री में ना जाके थर्ड पार्टी में जाइए, और पूंजी ज़्यादा है तो इस तरीके से, जैसे ये लुपिन वगैरह हैं जो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। मगर इसमें ह्यूज पूंजी जो पैसे की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट है। अगर आप सिर्फ इंडिया मार्केट करके रहिएगा तो नहीं होगा, इसके अलावा US, यूरोप, सब जगह आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर दवा कंपनी बनाना है तो सिर्फ इंडिया का भरोसा करके आप काम नहीं कर सकते। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे ज़्यादा दवा यहाँ बनती है, सबसे ज़्यादा कंपनी है, मगर सप्लाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है। अब जब सप्लाई कीजिएगा तो मान लीजिए अगर US में सप्लाई करते हैं तो US का टर्म्स कंडीशन क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या मांग रही है आपसे, लाइसेंस क्या मांग रही है, पैरामीटर क्या मांग रही है, हमेशा उनका इंस्पेक्शन होता है आपके फैक्ट्री में कि आप सारी चीज़ें कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर वो लाइसेंस देते हैं, तब फिर आप जाके उनके यहाँ पे बेचते हैं। तो ये इस तरीके से दवा कंपनियाँ जो हैं मार्केट में काम करती हैं, और आप भी अगर कोई दवा कंपनी खोलें तो यही फार्मूला आपके पास भी होना चाहिए।